और काफी बता रहा हूँ जो अल्लाह के नाम पे देगा, अल्लाह उसे अलविदा कर देगा। उतना सुनना था इस हबीब के अंदर मैंने अपने मुश्किल जाने से और कम कटोरी भी उठाई, रोटी भी उठाई और थोड़ा हो गया दरवाजे पर सब्जी को खाना दिला। मुर्शिद बड़ा नाराज हुआ, मुर्शिद ने कहा बेटे एक रोटी थी आदमी उसे दे देता, आदमी बहुत खा लेते, पूरे उठा के पूरी उसे दे दी और सालन भी उसे दे दिया, अब हम क्या लाएंगे। कहा बस थोड़ा सा समझ रहे बस खाना आ गया, ठीक है। अब थोड़ी देर बैठ गए, थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तों को उठा कर नौ रोटियां कितनी गई है, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ रोटियां। और इतना कदौलत सालन का वो फिर लेकर हाजिर हो गया, जब रोटियां नहीं वापस कर दी कदौलत को वापस दे दिया। तवक्कल देखो, तवक्कल में कुर्बान जाऊँ वापस कर दिया, हाँ वापस ले जाओ। ताकि मेरे मालिक ने मेरे शेठ ने आपका नाम लेकर भेजा है, क्या उस अल्लाह के बता वाले को लेकर आ जाओ। कहा कि मेरा नहीं तेरे सुनने में गलती हुई होगी, क्या किसी और का, वो वापस गया अपने सेठ से कहा हुजूर वो तो कहता कि आप उसे नहीं भेजा किसी और को भेजा है। कहा मैंने उसी भेजा था, ले नौ रोटियाँ दो रखे दस पूरी कर, जब दस पूरी की फिर जाके दिया जितनी करी दस पूरी फिर रख लिया। मुर्शिद ने पूछा बेटे इसमें तेरी क्या हिम्मत थी, नौ आई थी नौ ही अगले का तूने वापस जरूरी कर दी थी। कहा वो इसलिए जरूरी वापस कर दी थी कि मेरा ईमान और यकीन ये है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जो अल्लाह के राह में एक देगा दस दुनिया में सत्तर आपस देगा, तो मैं नौ क्यों लूँ, मैंने सौदा अल्लाह से किया कारोबार अल्लाह से किया, तो मैं एक के बंदे नौ क्यों लूँ, मैं पूरी दस लूँगा क्योंकि अल्लाह दे रहा है बंदा नहीं दे रहा। तो बंदा अल्लाह पाक वसीले और हीले बना के किसी ना किसी तवज्जो से अदा कर देता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तरक्की के तौर पर किया है, अल्लाह की राह में खर्च करके अल्लाह ने बहुत किया, मैंने किया अल्लाह का बड़ा करम है। इसलिए आप दोस्तों से हाथ कि अल्लाह की राह में खर्च किया करें, लेकिन नीयत खालिस अल्लाह के लिए, नहीं मेरा तेरा साईं कह रहे हैं या मुर्शिद कह रहे हैं या कोई और शख्सियत के लिए उसको देख लिया रहे, ऐसा ना करें। अल्लाह की राह में अल्लाह की रजा के लिए हदीस पाक है, मेरे कई माता अलैहिस्सलाम नाम फरमाते हैं इस तरह खैरात करो कि तुम दाएं हाथ से खा खैरात करो तुम्हारे बाएं हाथ को भी खबर ना, तुम्हारे बाएं हाथ को भी खबर ना हो, तो किस तरह अल्लाह की राह में खर्च करो। जब इस तरीके से अल्लाह की राह में खर्च करोगे, और ये हदीस सुनो मैं अक्सर और बेहतर अर्ज किया करता हूँ मुख्तसर की बात बता के, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब अल्लाह पाक ने पहाड़ों को पैदा किया, पहाड़ फर्श कांपने लगे डरने लगे, तो पहाड़ों के ऊपर लोहे को पैदा किया, जब अल्लाह के फरिश्तों ने देखा मोला कुरबान तेरी जात पर तूने कितनी ताकत हर चीज पैदा की, लोहे को पैदा किया जिसने पहाड़ को दो टुकड़े कर दिया, पहले जमीन पैदा की है पत्थर कांपने के ऊपर पहाड़ पैदा किए, पहाड़ों के ऊपर लोहे को पैदा किया, लोहे के ऊपर आग को पैदा किया, फिर फरिश्ते कहने लगे मोला कितनी जात तेरी जमीन में तूने आग को पैदा किया, लोहे को खिला के रख दिया, इस तरह फिर किसको पैदा किया पानी को पैदा किया, पानी ने आग को बुझा दिया, आग ठंडी कर दी, आपको गुलो गुलजार कर दिया, जब ठंडा कर दिया तो बिल्कुल फिर अर्ज की बोला इससे ताकतवर चीज़ कौन सी हो सकती है जिसने आपको ठंडा कर दिया, और पानी है फिर अल्लाह ने हवा को पैदा किया, हवा चली, हवा ने पानी को खुश कर दिया, जब वो खुश हो गई फरिश्ते फिर हैरान, फिर अल्लाह की बारगाह अर्ज किया बोला कुरबान मेरी जात पर जाए इससे ताकतवर चीज उन्हें क्या पैदा की, जो उसको पानी को भी खुश कर गई हवा, तो फिर सारे फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की बोला इतनी इतनी चीज़ें पैदा की, तमाम चीज़ों में आला चीज़ तूने कौन सी पैदा की, ताकत पेश तूने कौन सी पैदा की। अल्लाह पाक ने फरमाया मैंने उस इंसान को पैदा किया, इस इंसान को उस इंसान को ताकत पर पैदा किया जो अपने दाएं हाथ से खिलाफ करे बाएं को भी पकड़ उस इंसान को, ये वो इंसान बड़ा ताकतवर होता है, ये बहुत बड़ा अहम काम होता है कि रूठी बंद कर देता है, ये अल्लाह के इंसान जब अल्लाह से पता तालुक बनाता है ना वो रूठी बंद करके देता है, ये रूठी बंद करना काम आता है, रूठी खोल के दिया उस तरह का दिया कोशिश भाई, जब ये कोशिश करोगे इंशाल्लाह ताला खुदा कसम खा देता हूँ जब आप अल्लाह की रजा की कदम बढ़ाओगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दौड़ के अपनाएगा, तुम्हें दौड़ के अपनाएगा, तो जिसे अल्लाह अपना ले उसे फिर कोई शख्स ला नहीं सकता, कोई जरूरी नहीं कर सकता, जिसे अल्लाह इज्जत दे दे वही मंतशा व तजिल मंतशा, इज्जत भी अल्लाह के हाथ में, जिल्लत भी अल्लाह के हाथ में, इज्जत चाहते हो बदली चाहते हो शोहरत चाहते हो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा पूरी के लिए, जब आप अल्लाह की दीन की खिदमत करोगे इस मिशन को आगे माने मामिल करोगे यकीन जान लो अल्लाह पाक ने करे कबूल कर दिया बेड़ा पार हो जाएगा। बस दो बातें जरूर याद रखें।